धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मारू महला तीजा, काया कंचन शब्द विचारा, तिथे हर वास जिस दा अंत न पारा वारा। सुनो सुनो भाई, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। कई लोग ये सोचते हैं भाई गुरु ग्रंथ साहब ये सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहब तो सबका है, इसके अंदर फरीद की वाणी भी है, कबीर की भी है, दादू की भी है, त्रिलोचन की भी है, सारे संतों की वाणी है। तो उनका उपदेश सबके लिए है, पर थाही साखी महापुरख बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चो वर्णों का सांझा, उनका उपदेश सबके लिए है। ये क्या कहता है, ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। वो कहते काया कंचन शब्द विचारा, भी ये काया ये सोने जैसी है, अगर इसके अंदर वो शब्द प्रगट हो जाए तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई है नहीं। शब्द क्या चीज़ है, ये अक्षर नहीं है, वो एक ताकत है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुंदर नहीं बना सकता, सूर्य चांद तारे नहीं बना सकता, इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको हम कहते हैं शब्द। पढ़ते हैं शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है, वो पर वो गुप्त है, वो आंख मीते अंदर अंधेरा है। जो शब्द प्रकट हो जाए कि वो ज्योत अंदर आ जाती है, प्रकट नहीं होता तो ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा, ना मालक मिलता है तो ना 84 का गेड़ खत्म होता है। उसी को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सकले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है, वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कटकट भरपूर रहा। उसी को कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। हम पढ़ते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। संतों ने उसे नाम को प्रकट किया है, तो बार बयान किया है। उसी को कहते हैं सच। पढ़ते हैं सच करता, करता क्या, उसने सृष्टि की रचना की है। सच करण हार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो हमारा मालक है। सच टेक, उसी की टेक रखो, क्यों टेक रखे हैं, सच मिले पो जाई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। उसी को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। हम सारे ही मैले हैं, वाणी कहती है मैला ब्रह्मा मैला इंद्र ही मैला, मैला है चंद मैला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जा का अंत न पार। ओ मालक निर्मल है, हमारे अंदर मैले कौन सी है, ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ते हम इनके गुलाम हुए फिरते हैं। इन्होंने हमारी मिट्टी प्लेत कर दी, हम रात दिन मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले शांति मिले, ये सुख किसी को मिला ही ना। वो संत क्या कहते हैं कि तू उस शब्द को प्रकट कर ले तो ये तेरी काया ये सोने जैसी हो जे, ते उससे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। वो शब्द प्रकट कैसे होगा, वो नाम प्रकट कैसे होगा, कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को उस शब्द को पढ़ करना है तो संतों की सुबत करो। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की
राह बतावे जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई बिना वसीले संत नाम से बैठो। गुरु अर्जन साहब ने लिखा है संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस मालिक को प्रकट करना है ते तुम संतों की सुबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा नाम प्रभ का लगा बैठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चेत। ये बच्चे स्कूल जाते हैं मास्टर का कहना मानते हैं घर आकर पढ़ते हैं वो बी ए एम ए कर जाता है कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई वकील बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है ते संतों की सुबत करो। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक प्रकट होगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं कितने डेरे बनाए बैठे हैं कितनी गद्दियाँ चलती है और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते ना अपनी बड़ाई करते हैं। वाणी में ये लिखा है अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के फिर संभाल क्यों नहीं करता। जिसके अंदर सच्ची लगन है तड़प है मालिक को मिलने का शौक है वो क्या करे वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है ते मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा कभी स्वर्गों में कभी नरकों में ते काम क्रोध ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। क्या तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से जो पुकार करता है ते वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से कोई तसल्ली करा के कोई पर्चा दे के ते वो संतों से मिला देता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में झड़ पड़न अंगार संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे हर गुण गावे रसन सिरे। ते हमारा हाल क्या है ये कबीर ने लिखा है कलयुग जीव ज्ञान सुध नाही देखा देखी राह चलाई। कि ये कलयुग के जीव हैं ये विषय विकारों में अंधे हो पड़े इनको कोई ज्ञान नहीं है ये भेड़ा चाल है एक दूसरे के पीछे लगते हैं किसी के पीछे नहीं लगना। अंदर बेनती करे कोई तसल्ली मिल जाए कोई पर्चा मिल जाए इसको कोई पूरा संत मिल जाए। संत किसको कहते हैं जिसने शांति ली है उस शब्द को नाम को प्रकट किया है ज्योत को प्रकट किया है जो रूहानी मंडलों में जाता है जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है उठ फरीदा तू मेला देखण जा कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भी मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। संत मिल गए संतों ने सिमण बता दिया। संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर ओ राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम ली बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं फिर जाग लगाते हैं तो फिर दही बनता है। दही को रिड़कते हैं फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करते हैं फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज डाल देते हैं। संतोष सागर पार उतरिए जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी संतन शिव व्यवहारा संतन शिमला खटे भक्ति प्रे अपनारा। फकीर की सोबत है दुनिया में सबसे आला सोबत है सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है वो कहता है तुम सिमन करो। दो ही रुकावटें हैं एक तो शरीर का प्यार एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो काम करोगे तो घर में बरकत आएगी चिंता घटेगी शरीर का प्यार हटेगा ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनीषा फरमाया करते थे क्या इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। ये मन कहता है या तो तू मुझे ऊपर लेके चल नहीं तो फिर मैं तेरे को नीचे लेके जाऊंगा। ये टिकता नहीं है। ते सिमण करता जाए सिमण करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। दुनिया के सारे ख्याल निकल गए ते रूह सिमट के या माथे पर आ गई ये आम माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है ये गांठ खुल गई ते उस शब्द अंदर प्रकट हो गया जोत अंदर प्रकट हो गई ते सारी बीमारियां निकल गई। और नाम के अंदर उस शब्द के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माख्यो मजा दुध सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दुध। खांड मीठी है गुड़ मीठा है भैंस का दूध मीठा है पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध की
ये मन काबू आ गया, ये सारी शक्तियाँ न्यूट्रल हो गई, तो वो जोत अंदर आ गई, जन्म मन के बंधन छूट के आत्मा परमात्मा से मिल गई। उस आदमी से भाग्यशाली और कोई नहीं है, वो मालिक का रूप बन गया, तो इंसानी जामा सफल हो गया। कि काया कंचन शब्द विचारा, जिसने शब्द को प्रकट कर लिया उसकी देह ये सोने जैसी है, ये प्रकट नहीं किया तो ये महल की गंठड़ी है, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चली गई, हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बार वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, चोरियाँ ठगियाँ ऐप पाप करता है, उसको कोई कहे भी तेरे घर में अखुट खजाना है उसको निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरन करेगा, जड़ चेतनी गांठ खुलेगा, वो मालिक अंदर आ गया तो सारी बीमारियां निकल गई, तो ये इंसानी जमा ये सोने कंचन जैसा बन गया। एक ही लाइन पर अमल कर लियो, बेड़ा पार है। हाँ जी, काया कंचन शब्द विचारा, तिथ हर वस जिसदा अंत न पारा वारा। सुनो भाई, दुनिया में भाग्यशाली कौन है? भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, जिन्होंने उस मालिक को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है। ये दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है, बार की एक जहान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है? जे यहाँ बड़ाई होती रहे, लोग फूलमाला डालते रहे, जय जयकार होती रहे, ये आगे नरकों में पड़ा है तो बड़ाई क्या करेगी? ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। हमने परवाह नहीं करनी भाई, माल का चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ त्यो रख ले। हमने तो सिमरन करना है, तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, उस मालिक को प्रकट करना है। जो उस मालिक को प्रकट ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जितना पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। कह मिली नर देही, ये इंसानी जमा मिला है, वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करी जाओ, तो अपना सिमरन करी जाओ, तो रोज़ रोज़ बैठो, बैठने से तुम्हारी तरक्की का पता लगेगा। अब हम बलाती मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, इसमें दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो ये जड़ चेतन की गांठ खुली, काम बन गया। बूंद समुद्र में मिल गई, ज्योत ज्योत में मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन मान्या, हर दर शोभा पाने। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले है, आगे ही बल्ले बल्ले है, सारे काम पूरे, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे। हाँ जी, तिथे हर वास जिसदा अंत न पारा वारा, अन दिन हार सेवो साची बाणी, हर जियो शब्द मिलाए दा। बोलो भी क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? अन दिन हर सेवो सच्ची वाणी। वो सच्ची वाणी ये बाहर की वाणी नहीं है, बाहर की वाणी तुम पढ़ लो ते दुख दूर नहीं होते। वाणी क्या कहती है? कि दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची वाणी। वो अंदर वाली वाणी सुन ले ते सारे दुख दूर हो जाए। ना शब्द बूझे ना जाने वाणी, मनमुख अंधे दुख बियाणी। ना ये शब्द को प्रकट करता है, ना उस वाणी से तलक पड़ता है, कि ना इसके दुख दूर होते हैं। ये क्या कहते तू भी रात दिन तू लग गया रहे? संत ये कहते हैं भी एक सांस भी बैठा ना जाए। प्रभु की उस तत् करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्रास, होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस ग्रास सरनाम संभाल। राजस्थान में सहजो भाई फकीर हुई है, उन्हें जागत में सिमरन करे, सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रस्सी रहे, तार टूट ना जाए। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है, उसने लिखा है तर रही तेरी जबान खुदा के जिक्र से। अपड़ अगर कोई आज एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं
पुराण पढ़ता हूँ, ते नाम भी ले रखा है। मैं क्या भाई, पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये पुराण पढ़ने से मालक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करें। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, वो अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ ने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया, गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनियों ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। बस तुम सिमरन करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। सतगुरु अंदर आ गया, उसके आगे सब फेल है। मस्ताना जी अनपढ़ थे, ते बलोचिस्तान से महाराज सावन सिंह ने हुक्म कर दिया भी सर से जाके बैठ जा, ते मस्ताना जी सर से आके बैठ गए। ना कोई नौकरी की, ना कोई व्यापार किया, ते ना कोई दुकानदारी की। क्या किया उन्होंने, उन्हें बैठ के सिमरन किया, ते कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह कमी आई है। उनसे किसी ने पूछा भाई आपने सतगुरु को देखा है, उन्होंने कहा हाँ देखा है, उसे काम लिया है। हाँ जी, अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले, हाँ वे सारे ग्रंथ याद कर ले। रावण है, चार वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे, प्रायोरिटी चले, काम तो नहीं घटा, उसको ज्ञानी कौन कहता है। हाँ जी, अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, सारी दुनिया की मान बढ़ाई हासिल कर ले, हाँ दुनिया की सारी मान बढ़ाई हासिल कर ले, यहाँ बल्ले बल्ले होती हो। संत क्या कहते हैं, तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, राज मिलता है फिर हेरा फेरियाँ करते हैं, फिर नरकों में जाते हैं। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, मन नहीं मानता, ये मन कहता है ये जो मीठा आगे किन्हें किसने देखा, हिसाब किताब होना है, चार दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, अपढ़ शास्त्र स्मृति। शास्त्र स्मृति वेद चार मुखागर विचरे, शास्त्र स्मृतियां चारों वेद जुबानी याद हो। आगे तपे तपे सर जोगिया तीर्थ गमन करे, तपस्या करता हो, दुनिया तपता हो, लोग कहते हैं बड़ा तपस्वी है, लोग उसको पैसे देने लगेंगे, उसकी कदर करने लगेंगे, उसके पल्ले कख नहीं होता। गुरु साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था नहीं पाई। सतजु में रुएं गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस बखर को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये कितनी मेहनत करी जाए चाहे ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने प्रकट, संतों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रकटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सुलाए नाम मन नाम रहन लिवलाए, अनहदुन दरवाजे सच्चे सो बापाए। हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, अपने दीवारें खड़ी कर ली, ते लड़ मर के बस। हाँ जी, खटकर्मा ते दुगने पूजा करता नाई, कर्म क्या है, दान देना दान लेना, विद्या पढ़ना पढ़ना, यज्ञ करना कराना, खटकर्म करता हो। आगे रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरक के, नाम को प्रकट नहीं किया ते नरक में जाएगा, नरकों में क्यों जाएगा, अहंकार और हो गया, किया कराया सब गया जब अहंकार, इस अनपढ़ी चंगा है भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, उसके अहंकार तो नहीं है। हाँ जी, अब ये एक एक मिनट की कदर करो, एक एक सांस की कदर करो। बिन लिखा कहता हूँ कह जा तू क्या बजाऊ ढोल, स्वासा खाली जाता है तीन लोग का मूल। ये काल का देश है, यहाँ से हमने यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, किसी के पास बैठ के देख लो, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। वो संत क्या कहते हैं भाई, सिमरन करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, अपने देश चलो, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है। अपना देश त्रिलोक से पार चौथे लोक में है, कबीर ने लिखा है, कहो कबीर हमारा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए, उनका एक सत्संगी था हृदय, तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सहदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। बांध दादू ने लिखा है, बांध तीन लोक बापड़ा कैसे दर्स ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखता है। दादू कहते हैं मैंने देखा है वो नाम त्रिलोक की सिपार चौथे लोक में, वो अपना देश है, आत्मा उसके साथ मिल गई, जन्म बन के बंधन छूट गए, मालिक का रूप बन गई, फिर ये रूहानी मंडलों में जा सकता है। जब वापस आएगा तो संत बन के ही आएगा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ,
कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में सो सो बार। हाँ बोल ग्रंथ शास्त्र। अगर कोई दुनिया की सभी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर याद कर ले, हाँ सारी दुनिया की मान बड़ाई हासिल कर ले, सारी दुनिया की मान बड़ाई हासिल कर ले। बल्ले अमेरिका का राष्ट्रपति बुश था, दुनिया सलाम करती थी, या पद से हटिया कौन पूछता है, खुंजे लग गया। हाँ जी। अगर उसकी आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती तो खाली आया खाली चला गया। हाँ जी, आत्मा को परमात्मा से नहीं बीबी स्वगन कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा स्वगन कब होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। जे मालिक को प्रकट नहीं किया तो इंसानी जान बर्बाद गया, कोडी बदले जन्म गवाया चीनस ना ही आपे। ये यंत्र है, ये बड़ा अजीब यंत्र है, तो मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, कोई विचार ही नहीं करता। पढ़ कोई सुनो भाई, कोई जानेगा जानन हारा अब्दु अंधा धुंध अंधियारा। हाँ, ये कबीर का शब्द है, कोई जानेगा जानन हारा अब्दु अंधा धुंध अंधियारा, आंख मीचते अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ये देह है तो 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या है, बोल। यागट भीतर बन और बस्ती, याही में जाड़ पहाड़ा। बन भी है, बस्ती भी है, जाड़ पहाड़ भी है। अजीब यंत्र है ये, कोई विचार करता है कोई, भाई संत झूठ तो नहीं बोलते, उन्हें अंदर देख के तसल्ली करके फिर क्या है, भाई हम भी देखें भाई पहाड़ है या नहीं है। गुरु अमरदास ने लिखा है, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा, सच्चे आप खेल चाया आवागमन सारा। ये जड़ चेतन की गांठ लगा के बार मुखी कर दिया। हाँ जी, ये गांठ खोल ले तो ये सारी दुनिया की सैल करता है, सारा सब कुछ ही पता लग जाएगा, भी अजीब खेल है ये, कोई विचार ही नहीं करता है। ये मन किसी को होश नहीं आने देता, ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ, धन दौलत की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ। इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त चली गई, हमने कोई फायदा ही नहीं उठाया। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे पैसे का मोहताज हुआ फिरता, चोरियां ठगियां करता है, कोई इसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे तो निकाल ले, ये ना निकाले बताने वाला क्या कसूर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अल कपारा। मीरा ने लिखा है, खर्चून लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बरत स्वयं। वो मालक अंदर आ गया, जिस मालक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, फिर कमी किस बात की है, वो आपे ही रूप धारता रहता है, वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, अजीब यंत्र है ये, तो हमने इसके हाथ ही नहीं लगाया, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। हाँ जी, यागड़ भीतर बाग बगीचा, नाम को प्रकट करना हो तो आखिरी सांस तक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश। ये लड़ाई लड़नी है क्या, ये मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत, ये मन के पर्दे के पीछे है। ये मन काबू आ गया, इसको सारा कुछ पता लग जाता है। एक अंग्रेज था, उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरन कर अंदर चल, तू सारी त्रिलोकी की सैल कर लेते, हमारे दर्शन भी कर ले। संत क्या कहते हैं, कोट ब्रह्मांड का ठाकुर स्वामी, अंदर करोड़ों ब्रह्मांड है, उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया, तो हमने तो कुछ भी नहीं देखा, इधर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर दे हम चले जाएंगे। हाँ जी, रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ो। हाँ, ये लड़ाई लड़नी है, सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे फिर भी न छोड़े। दीन कहते धर्म को, धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखे हुए दुर कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं, भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभु ना सी कर में पाया। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर सिमरन करे
कि अंदर जाए, ये जड़ चेतन की गांठ खोले, उस ज्योत को प्रण करे, उस नाम को शब्द को प्रण करे, तो उसके परले धर्म है। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जड़े जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, सत ताकत को पढ़ करे, सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। खालसा पूर्ण जोत जगे घट में, खालसा तो इन खालस जानी। ये जोत को पढ़ कर लिया फिर तो है खालसा, नहीं तो नकली खालसा है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जाता भीतर आने। राजपूत काया कोट छुड़ावे सोई है राजपूत। राधा स्वामी सूत को शब्द के साथ सच्चा सौदा एक आत्मा सत्य एक परमात्मा सत्य, आत्मा को परमात्मा से जोड़े ये सच्चा सौदा। आर्य आर्य मतलब पाक, दस इंद्रिय कर रख के वास ताकि आत्म होए प्रकाश। जो ज्योत अंदर आ गई तो आर्य नकली आ रही है। जो उस मालिक को पढ़ कर रहता है सारे धर्म आ जाते हैं, साध संग दृढ़े सब धर्म। ये काम करना था, इसकी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं है। जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं करता। वाणी क्या कहती है? सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। संतों की सोच में आके जिसने सिमरन कर लिया, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा सारा कुछ ही है, वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। बाकी सारे बेवकूफ हैं। अब किसी को कह दे तुम बेवकूफ है, अगला गल पड़ जाएगा, मुकदमा करने के लिए जाएगा। पर वाणी किसी का इलाज नहीं करती। हमने अखबार में पढ़ा, वो कार्तू सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने कहा अभी हिंदुस्तान में 90% लोग मूर्ख हैं। हम तो कहते हैं 60% ही मूर्ख है। शाणा कौन है जिसने उस मालिक को पढ़ कर लिया? ये क्या कहता है? हम सारे ही मूर्ख हैं। हाँ, हम सारे ही मूर्ख हैं। मूर्खों को मूर्ख बनाए जाते हैं लोग। हाँ जी, अब हिंदुस्तान में इतनी तो संत है, तो इतना पखंड है, इतना भ्रष्टाचार है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। हाँ जी, ये पखंडी साधु ये तस्करों को भी फेल करते हैं। हाँ जी, आद अंत जो राखनहार तिस्सों प्रीत न करे गमार। हाँ, आद अंत जो राखनहार तिस्सों प्रीत न करे गमार। वो माल कर्ज के संभाल करने वाला है, सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, हर तरह से समर्थ है, वो याद नहीं है फिर गंवार हुआ कि ना हुआ। मूर्खों का टोला फिरता है, उसमें एक शाणा हो उसकी कौन सुनता है? बौंकी जा। जब हम समझदार होते तो ईसा मसीह को सूढ़े क्यों चाटते? गुरु ग्रंथ साहब को तत्ते तौं पर क्यों बिठाते? गुरु तेग बहादुर का शीश क्यों काटते? मंसूर को सूढ़ी चाट दिया। हाँ जी, निशाने होते तो उनकी कदर करते, मूर्खों के हाथ चढ़ गए कि उन्होंने मिट्टी पलीत कर ली। हाँ जी, जाकी सेवा नवनिध पावे तासु मोड़ा मन नहीं लावे। बोलो भाई, अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, वहां तो राई राई का हिसाब किताब है। कबीर साहब पूर्ण ताकत बेजा बुनता रहा है, रविदास जुतियां गांठता रहा है, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, हकलाल की कमाई के बगैर सुमन होता ही नहीं है। जो किसी का खाएगा जब तक हिसाब साफ नहीं होता अंदर नहीं जा सकता। हमारा साउंड से तुम्हें मुफ्त में दे तो भी ना लेना, जो सिमन करता है वो नहीं लेगा। बाकी तो हाय लिया लिया लगी पड़ी है, ये जग मीठा आगे किन्हें देखा, किसे देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐस करो। कि प्राणी तब जागे जम का डंड मूंड पर लागे, जम तू सिर पर आख देते हैं फिर हो सकते, फिर क्या बनता है, फिर तो टाइम गया। हाँ जी, जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते हैं मालिक के आसमान में बैठा होना है। जो ठाकर सत सदा हजूरे, क्या इसके अंदर ही है? मस्ताना जी सारी सारी रात जागते रहते, कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते। उन्होंने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है, 12 साल सलगों का पानी पी के उन्होंने गुजारा किया है, फिर अंदर गए हैं, फिर सतगुरु को प्रकट किया है, फिर बाहर नारा लगाया है कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। अंदर हाजर भी है, नजर भी आता है, वो जिंदा राम है। उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है। वो अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई निबार, कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। परमेश्वर ने भूलिया व्यापन सबे रोग, आखा जीवा विसरे मर जावा। उसका सिमरन करना ये जिंदगी है, उसको बुला देना ये मौत है। ये क्या कहता है? जो ठाकर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। हम सोचते हैं मालिक के आसमान में बैठा हुआ है, सदी निकट इसके अंदर ही है, दूर न जानो गुरु शब्द निरंतर पछाणो। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, उस सिमरन करोगे अंदर ही मालक मिल जाएगा।
वो मालिक है, मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है, गुरुद्वारों में भी है, तीर्थों में, जर्रे जर्रे में है वो, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे कि जुग जाके से बात अंतर बार जानो सा, अंदर देख लिया तो सब किन दिखाई देने लग जाएगा। सब घट मेरा साइया सुनी सिजने कोई, कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, जहाँ संप्रदाय है वहाँ भी चीज़ नहीं आई है, जहाँ दीवारें खड़ी कर रखी है वहाँ भी चीज़ नहीं आई है। हाँ जी, उनसे नफरत तो करेगा ही नहीं, अंदर चाहे भी मैं इसे नफरत करूँगा तो भी नहीं करेगा, वो सबसे प्यार करेगा। या अल्लाह सबका बुलाओ, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। हाँ जी, ये संतों का मार्ग है, ऐन शांति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। उस्ताद जी क्या करते, प्रेम रूप में गुलबहार, दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगह मान, हाँ जाके टहल पावे दरगह मान, वो तो सिमरन करो, मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखी, यहां भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है, एक ही लाइन पर अमल कर लो, जाके टहल पावे दरगह मान। हाँ जी, तिसे बिसारे उल्टे राह पड़ी है, अब कोई भैरों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई कावड़ चक्के फिरता है, कोई चिंतपूर्ण नहीं जाता है, कोई झंड के पीछे लाल कपड़ा लपेट के मत्था टेकी जाता है। किसने कहा है तुम्हें, ऐ मने आत्म पूजा कीजिए, जितनी पूजा जग के माई ताका फल लीजिए, अविनाशी पुरख मन में राख, मानु कि तू प्रति त्याग, एक आस रखो मन माई सर्वलोक नानक मिट जाई, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, उस मालिक पर भरोसा रखना है कि सही रास्ते चलना है। हाँ जी, जाके टहल पावे दरगे मान, तिसे बिसारे मुग्ध अजान, हाँ, सारे मूर्ख हैं, तिसे बिसारे मूर्ख है अज्ञान, हाँ किसी के तू मूर्ख है गल पड़ जाएगा, केस कर देगा, बाणी किसी का लिहाज नहीं कर दी, वो कहते भी शाणे बनो। हाँ जी, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, हाँ रतन त्याग कोड़ी संग रचे, राम नाम रतन कोठड़ीगढ़ मंदिर एक लुकानी, सतगुरु मिले तक खोजिए ज्योति जो समानी। इस तरह है, इस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है, तरलोक से पार वो नाम है, रास्ते में सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं भी सिमरन करो, ये सिमरन करेगा संतों के रूप में सतगुरु प्रकट होगा, ते वो आगे नाम से तलक जोड़ देगा, सतगुरु ते नाम रतन धन पाया, सतगुरु की सेवा पाई है। अंदर भी रुकावटें हैं, त्रिकुटी का किला है, काल का हेडक्वार्टर है, क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुटसी सहज मेरे सुख होए, अगे तिमरखंड है, महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी। हाँ जी, ये संतों बगैर तुम एक इंच भी अंदर नहीं जा सकते, ये संत नकली मिल गया तो भी काम नहीं बनने का है। कोई किला है तो उसके बाद ताला लगा है, अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्द करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा। इसलिए भी एक किला है, मालिक ने सब जिसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम पलाई, अंदर कैसे जाएंगे, कराम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं, ये सिमरन करेगा, सिमरन करना चाबी फेरना है, सिमरन करोगे ये ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। ये संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेरी जाओ कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, सिद्ध अंत असली है, असली चाबी मिलेगी, सिमरन करोगे बात बन जाएगी। हाँ जी, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, हाँ रतन त्याग कोड़ी संग रचे, बार ले ठीक रहो, माया कट्ठी कर लो, और माया कट्ठी कर लोगे उसे मन नहीं कर सकता, माया तारी अन्ना बोला, मन कहता है भी मन हमारा दुश्मन है, मन तो ये कहता है भी ये विषय विकार भोगे नरक में जाए, नरक में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के यहाँ से निकले ना, मन की मत त्यागो अर्जुन ये आप बात कठिनी, मन की मत छोड़े संतों की मत ले, मन कहता है खूब धन इकट्ठा कर लो, हेरा फेरी करके कर लो चाहे ते फिर विषय विकार भोगो, जो नरकों का सम्मान हो गया, ये माया का देश है, माया कमानी है, हक लाल की कमाई करनी है, इस तरह करना है, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, चुस्ती से करे, लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे, शाम को इस मन को कह दे भी मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब सिमरन करना है। ये सिमरन ऐसी कसौटी है कि सारे है पाप निकाल देती है, ये अंदर कोई पाप रखोगे तो सिमरन होता ही नहीं है। हाँ जी, साथ छोड़ झूठ संग मचे, साथ छोड़ झूठ संग मचे, झूठ क्या है, ये काम तो दुनिया सड़ रही है सारी। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, हाँ ये घर तो छोड़ना है, जो घर छड़ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना किसकी चिंता ना, आगे की किसी को चिंता नहीं है, इस घर की चिंता है, बेटे के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, पड़पोतों के बारे में सोच लेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। हम वहाँ मेमनपुर के पास एक गाँव है, वहाँ गए कि सत्संग किया,
तो रात को जो घर का बुजुर्ग था उसकी उम्र 80 साल की थी, तो मेरे पास आके बैठ गया कि वकील साहब अब तो ये बेटे ये पोते ये मकान ये ज़मीनें सारी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा जे तू पहले सिमरन करता तो तेरा मोह ना रहता, जहाँ आसा था वहाँ से यहाँ फिर आना पड़ेगा। हाँ जी, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, ये घर तो छोड़ना है, जो घर छोड़ना सो अस्थिर कर माने, ये मन नहीं मानता, कहे मरने वाले और हैं, रोज जाते हैं लोग मर रहे हैं, पर ये मन नहीं मानता, मैं मरने वाला तेरा नंबर तो आना ही नहीं है, तू बेफिक्र रह। हाँ जी, जो होवन सो दूर पराने, या होवन सो दूर, मौत तो होनी होनी है। हाँ जी, छोड़ जाए तिसका शर्म करे, छोड़ जाए तिसका शर्म करे, ये तो सारा कुछ यही छोड़ जाना, इसे के लिए साथ नहीं देना, जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया, फिर इसका है कौन, बार संत है गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भी तुम सिमरन कर ले, गुरमुख आंसू कर दोस्ती, सतगुरु से मिला चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख हो मित, गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है, ते उनसे मांगे क्या भाई अंदर नाम प्रकट हो, हम संतों के पास जाते हैं मांगते क्या है, कबीर ने लिखा है ऐसी दुनिया बही दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मरा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास सगाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे बहट रुपया जी, साच का कोई गाक नहीं झूठे जगत है, उस ताकत का नाम का शब्द का कोई गाक नहीं है, हाफिज साहब ने लिखा है या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है, कबीर ने लिखा है नाम रतन धन मुझ में खान खुली गटमाए, सीत मेती दे तुंगा कोई ना है। बोलो भाई जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए गुड़ चाहिए लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा भाई बेवकूफ है, संतों के पास जाए तो मांगे क्या भाई अंदर नाम प्रकट हो, वो नाम अंदर आ गया नाम रंग सर्व सुख हुई, जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कर ध्यान दे रहा सारे काम रास आ गए, तिन चुकी मोहताजी लोकन की किसी की मोहताजगी करने की जरूरत नहीं है, हर प्रभ अंकर बैठा पा, वो मालिक अंदर आ गया फिर मोहताजगी करने की जरूरत क्या है, ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है, बैर करने की जरूरत क्या है, निंदा करने की जरूरत क्या है, ये सारी बीमारियां निकल जाती है, सारे अवगुण निकल जाते हैं, तो जो मालिक के गुण हैं सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, छोड़ जाए तिसका शर्म करे, हाँ संग सहाय तिस पर हरे, संग सहाय तिस पर हरे, वो मालिक इसके साथ ही है, इसको याद ही नहीं है। हाँ जी, परमेश्वर नु भुलिया व्यापन सबे रोग, अखा जीवा बिसरे मर जावा, सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बुला देना ये मौत है। हाँ जी, करतूत करतूत पशु की मानस जात, करतूत पशु की, जब पशु खा पी के बच्चे खरीदले हम चले जाएंगे, मानस जात ये इंसानी जामा 84 भुगतने के बाद में चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो, जो ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तरह पल पल ढलती जाए उमरिया, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है, ये कबीर ने लिखा है कहता हूँ क्या जातू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोग का मोल, एक श्वास की कीमत तर लोग की जितनी है, हिंदुस्तान का राज चला जाए फिर मेरे से सांस नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, इसका फायदा उठा लो। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात लोग पचारा करे दिन रात, हाँ कुरान सुन लिया तंदे तावत जग बाध्य बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध कुमार, सारे उलझे पड़े हैं। हाँ जी, संग सहाई सो आवे न चीत, संग सहाई मालिक इसके साथ ही है, सो आवे न चीत, जो बराई तासु प्रीत, जो जो बराई तासु प्रीत, दोबारा बोलो भाई, संग सहाई जो बराई तासु प्रीत, बराई क्या है, ये काम करो तो लोग ओंकार, इन्होंने तो हमारी मिट्टी प्रीत कर ली, हम सारे कहते हैं अभी अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता, ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीन जदादे लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, इनके गुलाम हैं हम, जिन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी, किसी को होश ही नहीं है, ये संत ये इंसानी जमे की कदर संतों की सोच में आके पड़ती है, भी हमने ये काम करना चाहिए, संत कहते हैं ये तेरा देश नहीं है काल का देश है, ये तेरी जात नहीं है तेरी जात सतनाम है, ये तेरा धर्म नहीं है तेरा धर्म है, सिमरन करना चलो अंदर। हाँ जी, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भक्ति करे, भैया 84 भुगतने के बाद इंसानी जमा मिला है, तुम्हें चांस मिला है, तुम मालिक की बंदगी का असली चीज ही भक्ति है, काल ने भक्ति करके 70 युग उसने भक्ति की, त्रिलोकी का राज मांग लिया, उसने 64 युग फिर भक्ति की, फिर सारी रूहें मांग ली, अब वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है, असली चीज ही भक्ति है, तो ये मन असली भक्ति नहीं कर लेता। हाँ जी,
गुरु की मत तो ले अजाने भक्ति बिन डूबे बहुत सियाने पे कम नहीं करती सहज श्याण पर लख कोई के चले ना ये दिल की सच्चाई पर है हृदय सच्चे करनी सार और सब पकड़ पूछ खुआर साई आगे साचो साई सा साए भावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी ना क्या मैं भी मन की कमजोरियों से होती है इस दुनिया में आप देखिए कामयाब वही होता है जो दिलो जान से किसी काम में जुट जाता है। दिलो जान से किस काम में जुटता है वो कामयाब होता है। लगन लगे लग पार सार्थक ये लगन लग जाए फिर मार्ग दूर नहीं है। दूसरे काम हम लगन से करते हैं तो कामयाब लापरवाही करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। हाँ जी इस दुनिया की नाशवान चीजों से मन हटाना और उनके बदले नाम को प्रमुख रखना परमात्मा की खास मेहरबानी की निशानी है। इंसान कमजोरियों से भरा पड़ा है इन कमजोरियों की जानकारी तब होना शुरू होता है जब आदमी नाम का अभ्यास करेगा। हाँ नाम का अभ्यास करेगा फिर पता लगेगा। कबीर ने लिखा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ने मिलिया कोई जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ने कोई। हमारे अंदर कमियां है तो मालिक नहीं मिलता ये फिर कोई विचार नहीं करता। हम दूसरे में ओकन ढूंढते फलाना यू है फलाना यू है तू कौन सा अच्छा है जो अच्छा है तेरे दिन मालिक मिलना चाहिए तुझे। हाँ जी हाँ बोल अंतिम हर से वो आनंद दिन हार सेवा साची बाणी हर जियो शब्द मिलाए दा। आत्मा के ऊपर तीन पर्दे हैं पहले कारण फिर उस पर सूक्ष्म उस पर स्थूल शरीर। जिस सिमरन करोगे ये पर्दे हट जाएंगे आत्मा साफ हो जाएगी। बार ब्रह्म में पहुंचोगे वहां आत्मा की रोशनी बारह सूर्य की है बारस बारह उपवे सूर एनिस बाजे अनतूर। हाँ जी ये पर्दे कटेंगे सिमरन से। कबीर ने लिखा है सत्य छुरी से जाड़ हम कर ये अच्छे एक कर्म करते हैं ना अच्छे कर्म के अच्छे कर्म करे जाओ अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे तो बुरे कर्म को नरक में चले जाओगे। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए मृत्युमंडल में आगे। कर्म धर्म पाखंड जो दिशा तीन जम जगाती लूट है निर्वाण कीर्तन गाओ करते का नियुक्त सिमरन जिन छूट है। निर्वाण कीर्तन क्या अंदर वाला कीर्तन सुनो अंदर वाली बाणी सुनो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ जी हर जियो शब्द मिलाए दा। सो ज्ञानी जिन शब्द दे बुलाई जिसने शब्द को पढ़ कर लिया वो ज्ञानी बाकी सारे ही मूर्ख हैं। ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोए ज्ञान सब तो जानिए जीवित मृतक होए। ये जड़ चेतन की गांठ खोले उस शब्द को पढ़ करे ये ज्ञान है। अब मालक अंदर आ गया सर्व कला पी प्रवीण वेद कते कहो कह जिन किताबों में कौन मथम मरेगा। हाँ जी हर चेतन बलहा शब्द तीन मेल मिला। हाँ गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं हर चित है तीन बलिहारी जाऊं जिसने मालिक को पढ़ कर लिया मैं उस पर कुर्बान हूं। हर चित है तीन बलिहारी जाऊं गुर के शब्द है तीन मेल मिला। दोबारा बोलो गुर के शब्द तीन मेल मिला। गुर के शब्द है तीन मेल मिलाऊं सारी दुनिया का एक ही गुरु है एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप एक जो जानो जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर कोई ना कोई गुरु हुआ है ना कोई होना है। वाणी ये कहती है कि सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु डिठा जाए भी गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाता है। बाहरले गुरु के दर्शन के लिए सारा कुछ मिल जाएगा उन किताब के लिए अवलाब लगी पड़ी है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई दर्शन भेंट पाप सब नासी अर्चुन दे मिलाई। बाहरले गुरु के दर्शन के लिए पाप नष्ट हो जाएंगे गुरु इसके अंदर है। सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे वो गुरु अंदर मिल जाएगा फिर गुरु इसके साथ है फिर अहंकार निकलता है। गुरु के शब्द वो संत उस गुरु के क्लर्क होते हैं। सांस सांस सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। सिमरन करोगे गुरु अंदर आ गया फिर ये मन सिद्धा हो गया फिर ये अहंकार नहीं करेगा। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है
पास में एक क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भी मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, उसके हुक्म में रहता है, कोई अराफे नहीं करता, बाहर हैं लोग आते हैं उनकी कदर करता है। कि डीसी ना हो, वो क्लर्क कल्ला बैठा हो, आंकड़ के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, पैसा लेने की भी कोशिश करेगा, आप गुरु आप डीसी बन जाता हो। तो संत क्या कहते हैं, भी सिमरन करो, उसमें गुरु अंदर आ गया, अफसर आके कुर्सी पर बैठ गया, फिर क्लर्क कैसे कहेगा मैं कुछ कर सकता हूँ, वो हेराफेरी कैसे करेगा, लोगों की बेकदरी कैसे करेगा, तो उसके उल्ट कैसे बोलेगा, हाँ सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा कौ नानकता के कारज पूरा, अंदर गुरु देख लिया, फिर वो गुरु भी नहीं कहेगा, हेराफेरी भी नहीं करेगा, तो सबके आगे सबकी कदर करेगा, तो हाथ जोड़ करेगा, आठ पैर कर जोड़ रहे तो पेंटेराए। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, जो हमको परमेश्वर उच्चरे सो नरक कुंड में पड़े, मुको दास तम का जानो या मैं भेदने रंथ पछाणो। तो ये क्या कहता है, गुरु का वचन, वो संत क्लर्क होते हैं, जो गुरु ने वचन किया है वो ही बात आगे बताएगा। सिमरन कैसे करें, वो कहता है भी इस नाम का सिमरन करो, वो सही नाम है, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रचार उतरिए। हाँ जी दोबारा बोली, संत मिल गए जिन्होंने गुरु को प्रकट किया है, ते वो सिमरन बताएगा, वो असली सिमरन है। बाकी कहते राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इनके करने से कुछ भी नहीं होता, तुम अंदर एक इंच भी नहीं जा सकते। संत कह दे भाई वाहगुरु करो, वो बिल्कुल ठीक है। संत कह दे भी राम राम करो, वो ठीक है। संतों के मुँह से निकलना जरूरी है। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी, खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, खांड खाओगे तो मुंह मीठा होगा, खांड अक्षर कोई और चीज़ है, खांड कोई खुद और चीज़ है। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करेगा। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। हाँ जी, गुर कै शब्द तीन मेल मिलाऊं, तीन की तो सुनो भाई, संत अपनी नजर से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, उसको काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। जे मौत भी आ जाए तो वो वचन उसके साथ रहता है। ये क्या कहता है, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी। हाँ जी, गुरु के वचन कटे जम फांसी। हाँ, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा ते जमदूत नेड़े नहीं आएंगे, जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर है बाकी, जम के जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे, जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना आए, तिन जम की तलब ना हुई ना दुख साए, और कोई इलाज नहीं है, जो पुण्य दान जो बीजे सब धर्म राय के जाई, बिन सतगुरु जम काल ने छोड़े दूजे पाक भाई, अच्छे कर्म करोगे ते स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे फिर चुरासी त्यार है, बुरे कर्म के नरकों में चले जाओगे, नरकों के दुख भोगे फिर चुरासी त्यार है। हाँ जी, गुरु का वचन जी के संग। गुरु का वचन जीव के संग, जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, जे संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, कितनी कोशिश कर ले चाहे, ये मालिक से नहीं मिलता। गुरु के वचन रचे राम के रंग, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, और सिमरन करोगे तो मालिक प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, जो गुरु दिया सो मन के काम। मन का काम क्या है, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना है, तो सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चराई, द्रौपदी की लाज रखी, कहते सिमरन करो सारे काम करेगा। मस्ताना जी दिल्ली में थे, पूजे मने साहब सर से डेरे में थे, तो मस्ताना जी ने पूजे मने साहब को चिट्ठी लिखी, भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आपे करेगा। उन्हें सारी उम्र सूट ये रखा, तो कोई कमी भी नहीं आई। हाँ जी, संत का किया सत्कर्मान। संत का किया सत्कर्मान,
हाँ जी गुरु संत क्या कहते हैं, विसीमण करो सेवा को दोनों बले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। हाँ जी गुर का वचन अटल छेद। हाँ गुर का वचन अटल छेद। हाँ जी अटल है वो, काल महाकाल देवी देव कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी गुर के वचन कटे भरम भेद। हाँ ये त्रिलोकी सारा ही भरम है, ये भेद क्या है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है। उस सिमरन किया अंदर गए तो सारे ही अपने नजर आने लगे, ये परम भी निकल गया तो ये भेद भी निकल गया। गुर के वचन कटे परम भेद। हाँ जी गुर का वचन कतू न जाई। हाँ गुर के वचन कतू न जाई, ये मन काबू आता ही नहीं है। श्रृंगेर सिंह 88,000 साल तपरा सिद्ध जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप के अपराई और तुम पर मारे गए। क्यों मारे गए, वो ओंकार में थे, उनको संत नहीं मिले थे, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बताया, ये सिमरन करते जाओगे तो काम बनता जाएगा। कोई गलती भी कर लेता है, महाराज श्याम सिंह लिखा है भी संतों के मार्ग में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, ये फिर समझेगा तो फिर सही रास्ते चल पड़ेगा। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, उन्हें गलत काम किए थे, डाके डाले थे, वो संतों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। हाँ जी गुर के वचन हर के गुण गाई। हाँ गुर के वचन हर के गुण गाई, जो संतों ने सिमरन बताया वो सिमरन करना है, ये मालिक के गुण गाना है, बाकी चाहे कितने ही कही जाओ, राम राम सबको कहे कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। हाँ जी गुर का वचन जीव के साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। हाँ उबे सारों का सारा है। एक प्रेमी आया मस्तान जी के पास, कह जी मैं बहुत गरीब हूँ, मस्तान जी का नाम मिला क्या, हाँ जी, कि खजाने की चाबी तेरे पास है, सिमरन कर कोई कमी नहीं आएगी। हाँ जी गुर के वचन नरक ना पवे, गुर के वचन नरक ना पड़े, इसका मतलब क्या है, संत मिल गए चाहे थोड़ी भक्ति है ते वो नरकों में नहीं जाएगा, बुरा भला गुरु भक्त कबू नरक न जाए। हाँ जी कोई गलत काम करेगा तो सतगुरु आप सजा दे के साफ करके ले जाएगा। कोई बच्चा है, गलत काम करता है तो माँ उसको पुलिस के हवाले नहीं करती, आप ही कूट पीट के सीधा कर लेती है, तो संत आप ही कूट पीट के सीधा कर लेगा, उसको काल के हवाले नहीं करेगा। हाँ जी गुर के वचन रसना अमृत रवे। हाँ अमृत का हमने नाम सुने, उस नाम के अंदर अमृत है, नौनिद अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। अमृत मिलेगा कैसे, संतों की सुबत करो, संत कहते हैं सिमरन करो, जो संत नहीं मिलते उनसे सिमरन नहीं मिलता तो अमृत प्रकट ही नहीं होता। नौनिद अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम, घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृत न जाने परम दा परम पड़ा। गुर के शब्द अमृत रवे। हाँ जी ये किल्ली हल के अंदर हम ऊँट के पीछे हल जोड़ देते हैं तो एक वो किल्ली अड़ा देते हैं, फिर हल पीछे चलता रहता है, तो ये संतों ने सुन बताया ये किल्ली है ये। हाँ जी ये आगे मालिक सतगुरु से जुड़ेगी, ये संत नहीं मिलते मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकते। हाँ जी गुर का वचन प्रगट संसार। हाँ गुर के वचन प्रगट संसार है, जो सिमरन करोगे नाम प्रकट हो जाएगा, नाम है तो सबके अंदर गुप्त है वो, गुप्ता नाम बरते विच कलजू कट कट भरपूर रहा, संत जना मिल भाइयो सच्चा नाम संभाल। हाँ जी नाम अंदर आ गया, नाम सुनिए कर चरणा, ते नाम रंग सर्व सुख हुई, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। हाँ जी गुर के वचन ना आवे हार। हाँ ये घाटे वाला सौदा नहीं है, पलटू बाजी लाई हु दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की जीतूं तो मैं राम, जे हारा तो राम को ही हारा है, जो जीतिया तो मालिक का रूप बन गया, ये घाटे वाला सौदा नहीं है। चाहे नकली संत मिल जाए ये कोशिश करे कि अंदर से वो सतगुरु तसली करा के सही रास्ते ला देता है, पूरे संत से मिला देता है, अपनी ओर निभाइए, अपनी ओर निभाइए। ये कुंडली है पलटू साहब की, भाई अपनी पूरी कोशिश करो अपनी ओर निभाइए, हार पड़े की जीत, हार पड़े ये हारे तो मालिक को ही हारा है, जीते तो मालिक का रूप बन गया, पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम। हाँ जी ये घाटे वाला सौदा नहीं है। हार पड़े की जीत ताकि लाज न कीजिए। हाँ, गलत काम करता हुआ शर्मा, काम क्रोध में बरता हुआ शर्मा, गलत आदमी की सुबत करता हुआ शर्मा, शासन में जाता हुआ संतों का हुक्म मानता हुआ बिल्कुल ना शर्मा, क्यों बात बननी है संतों के जरिए बननी है। हाँ जी
कोटिन बहे ब्यार कदम आगे को दीजिए, दो रुकावटें आए कदम आगे को दीजिए, अगां को तरंग अंदर चल है वो पीछे फिर न पीछे ना हटे, सिंज अवे अबार बोर न इमो का बार बार हथ नहीं आना वानी कब टाइम आ जे। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नहीं, सिपाही पीछे नहीं हटता, हमने पीछे नहीं हटना, अंदर ये तसल्ली रखो भाई हमने उस नाम को पढ़ करके हटना है कि सतगुरु का आसरा रखे। एक हम बलाती मार के बैठते हैं, पैर सो गया, वहाँ दर्द होता है तो दर्द सहन करना है, उठना नहीं है, हिलना ही नहीं है, हाथ भी इधर नहीं लाना है, ऐन स्थिर रहना है कि दर्द बहुत होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द घट जाएगा फिर ऊपर चली जाएगी। सबसे बड़ी रुकावट इसी का प्यार है, देह प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मर लोग कबू छड़ जाए। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुटता है, कुछ भी नहीं मिलता, साइंस ने तरक्की की है शरीर के सुख वास्ते किया है, मुझे बने साहब फरमाया करते थे जितनी साइंस तरक्की करती है उतना ही बेड़ा गर्क। संत कहते भी सूक्ष्म मंडल है, आगे कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलक है, अगम है, अनामी है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है, कच्ची बेली में ही पड़े हैं, मालिक के तरफ कदम भी नहीं चले। मिश्री का प्यार सबको लिए बैठा है, मन काबू नहीं आता, कबीर ने लिखा मन जाते जान दे, डड़ कर रख शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। सिमट करोगे सुरत सिमटती जाएगी तो मन काबू आता जाएगा, जब लगे सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो परसे नहीं बड़ी विपत्ति हुई, तो इसके बारे में कोई गौर ही नहीं करता। हाँ जी, दर्द होता है हम उठ के खड़े हो जाते हैं, या कहते मन कहता है विसोल है, वहाँ मुकाबला करना है, यही तो लड़ाई लड़नी है। प्रार्थी मार के बैठ के जे तुम 5 मिनट बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 5 मिनट है, या आध घंटा बैठे तुम्हारी तरक्की आध घंटा है, जे तुम 4 घंटे बैठे तुम्हारी तरक्की 4 घंटे है, जे तुम 10 घंटे बैठ सकते हो तुम्हारी तरक्की 10। हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए प्रार्थी मार के बैठे चाहे 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो तरक्की कर जाएगा। हम वहाँ क्या करते हैं दिल्ली में प्रेमियों को बिठा देते हैं, भाई बैठो आप भी बैठ जाते हैं, ये परब का रंग साध के संग घरों में नहीं होता, कुटुंब तो कुसंग में दाखिल है, हमने लेक्चर दे दिया तुमने सुन लिया भाई लेक्चर बहुत अच्छा है जाके करें, करना कुरना कुछ भी नहीं है। अब क्लास में 100 विद्यार्थी है तो पास एक भी ना हो तो कट करने का फायदा क्या है, यहाँ 1 लाख आदमी इकट्ठा हो जाए 1 करोड़ रुपए हमारे पास जमा हो जाए फिर क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, ये तो कोर्स करना पड़ेगा, शरीर ऐसा होना चाहिए दर्द होवे ही ना, ये दर्द बीमारी है, ये दर्द निकल गया तेरू ऊपर आ गई, जिस हवाई जहाज और रनवे पर आ जाता है तेरू ऊपर यहाँ आ गई, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अभी मालका तू दर्शन दे चाहे ना देना हमारी तो ड्यूटी खत्म हो गई, ते मालक इतना बेरहम नहीं है वो दर्शन दे ही देगा। तुम इतनी हिम्मत करो भाई श्री का प्यार छूट जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। वो आज वो गणेशी लाल अपने लीडर है यहाँ सरसे का, तो वो हम बिठाते हैं 2 बजे लेकर के थे 5 बजे तक, वो 4 बजे आ गया तो लक्ष्मण कहने लगा जी सिमन का टाइम है तुसी बैठ जाओ, वो 10 मिनट बैठ के क्या जी मैंने तो चाह पीनी है, चाह का बहाना बना के जाके ऊपर सो गया। हाँ जी, ये बैठना बहुत मुश्किल है, तुम बैठ के देखो तो तुम्हारी तरक्की का पता लग जाएगा, कि संत के बारे में पता करना है उसको कहा अभी तो प्रार्थी मार के बैठ, जो 10 घंटे आराम से बैठ सकता है इसका मतलब अभी उसकी रूह सिमट दी है वो ठीक है, ये पासे मारने लग गया तो समझ लो इसके पल्ले कख नहीं है, हमारे जैसा ही है। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नहीं, हाँ फौजी बॉर्डर पर लड़ता है पीछे नहीं हटता, हमने भी पीछे नहीं हटना, मन नाल झगड़ा मन नाल सत मन जीते जग जीत, दर्द होता है तो होन दो हमने तो मरना ही है बस। हाँ जी, पर उस सतगुरु को अंदर पढ़ करना है, उस जोत को अंदर पढ़ करना है, ये तुम करके ये लड़ाई लड़नी है रोज रोज, ये काम बैठो ये सोचो भाई हमने तो आज मर ही जाना है, पक्का इरादा कर लो भाई हमने मर ही जाना है, जीवित मरे मरे पुन जीवे ता मुखंतर पाए, मरने ते सब जग डरे जीवन दिया लोड़े सब कोए, गुरप्रसादी जीत मरे हुक्मे बुझे सोए। हाँ जी, गिर गिर उठे समार सोई है मर्द सिपाही, लर लीजिए भर पेट कान कुल अपने ना लावे, तो ये आत्मा परमात्मा की अंश है तो यहाँ हमारी मिट्टी प्लीत हो रही है, लड़ लीजिए भर पेट भर के खाना खा लेता है तो सिमण नहीं करता, बोलो भाई कोई सिमण करता है, सिमण का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है, सिमण की तो बात ही ना करो ना,
वहाँ जगमाल वाली डेरे में हम रात को बिठा देते हैं, भाई तुम 3 घंटे बैठो। तो दो लड़के वो गेट पर खड़े थे, एक कहने लगे यार आप अंदर चलिए, क्या यार बाबे ने तो फांसी चढ़ा रखे है, अंदर जाके कैसे बैठेंगे, ये हाल है। हाँ जी, उनकी उनके हाथ बटन से सब बनावे, हाँ, और मालिक हर तरह से समर्थ है, जो तू मेहनत करेगा तो वो तेरी मदद भी करेगा। हाँ जी, पलटू सतगुरु नाम से साची कीजिए प्रीत, अंदर कपट नहीं रखना, कि कपट रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ कुवार, साईं आगे साचो साईं साथ साए, भावे लंबे केस कर पावे घोट मुंडाए। कोई किसी को धोखा देता है, किसी के साथ धोखा नहीं होता, अपने साथ ही होता है। हाँ जी, हेरा फेरियाँ करोगे ताकि साथ देना पड़ेगा। फकीरों ने धाके लाल की कमाई करके फिर गुजारा किया है। हाँ जी, कबीर साहब बेजा बुनते रहे, बाजार में जाके खद्दर बेचते रहे, नामदेव कपड़े रंग तरह है, गुरान साहब खेती करते रहे, मोम साहब व्यापार करते रहे हैं। बगैर अकलाल की कमाई के सिमर सामने कोई नहीं होता। हाँ जी, कोई किसी का खा के हिसाब देना पड़ेगा, जो हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता। सिमर करके देख लो, पता लग जाएगा। हाँ जी, ये पाप सामने आएंगे। कबीर ने लिखा है, कबीर हम सबते बुरा हम तस भरा सबको, क्यों सिमर पर बैठा तो पाप सामने आ गए। हाँ जी, मेरे से बुरा कोई भी नहीं है, वो किसी की निंदा नहीं करेगा, मैं ही बुरा हूँ। हाँ जी, जिस जन होए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल। हाँ, ये मालिक जिस पर कृपा करे और पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है तो फकीर की सोबत मिलती है, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर सिरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दो वहाँ सिरंग का बिचोला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उदार का काम करता है, और न दूजा ठाम। संत अपनी कोई बिड़ाई नहीं चाहता, उसको लोड़ ही नहीं है, मालिक उसके अंदर आया, ना वो धन चाहता है, ना बिड़ाई चाहता है, ना कोई समझ चाहता है, उपरोपकारी है। वो तो कहता है भाई सिमरन करो, जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, हर शून्य लाए। वो तो मालिक के हुक्म से काम करता है, जो फायदा उठा गया उठा गया, ये ऑर्डर आ गया भी चलो यहाँ से तो छोड़ के चल जाएगा, वो नहीं परवाह करता, तो जान बड़ा कम जाने। हाँ जी, हाँ बोल। हर चेता दिन बलहारे जाऊं, गुरु के शब्द तिन मेल मिलाऊं। गुरु के शब्द मेल मिलाऊं, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है गुरु का वचन है। जो संत नहीं मिलते, जो कितना ही मत्था मारी जे, मल के अगर रास्ता ही नहीं मिलता तो मल के दरिया में जा ही नहीं सकता। हाँ जी, की थोड़ा तिन की थोड़ा लाई मुख मासक, सत संगत बह गुण गाए दा। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, कह तिन की तूड़ लाई मुख मस्तक, सत्संग बह गुण गाइंदा। संतों के सामने चलने का एक एक कदम का फल है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे जो जो यज्ञ समान। एक एक कदम का एक एक का यज्ञ फल है। हाँ जी, वो आके बैठते हैं, संतों की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या उसके चरणों की धूड़ में मस्तक लाता हूँ। दोबारा बोली, तिन की थोड़ा लाई मुख मास्तक, सत संगत बह गुण गाए दा। जो सत्संग में आते हैं, संतों की बात सुनते हैं और सिमरन करते हैं, क्या उनके चरणों की धूड़ में मस्तक लगाता हूँ। मस्ताना जी बलोचिस्तान से आया करते, संगत साथ होती थी, तो संगत के सारे जोड़े अपने कपड़े में पांड बंद के ते पीछे लटकाए फिरते, भई मूर्छित के दरबार की कोई बदनामी ना हो जे, तो इनके जूते गुम ना हो जे, तो जाते तब सारों को जूते बांट दिया, भई अपने अपने जूते संभाल लो। हाँ जी, हर के गुण गावा
जे हर प्रभु पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा। हर के गुण गावा जे हर पावा, ये मालिक की कृपा पर है। जो मालिक कृपा करे तो फकीर की सुबत मिलती है। दुर्लभ पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही वासा जिनको दुर्लभ पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? वो मालिक ही लेके आया है। आपे संगत सद बाले, आपे विदा करा, आपे ही लेके आता है। जिस पर दया मेहर होती है, दया मेहर किस पर होती है? जिसके नसीब होते हैं, जिसके अंदर तड़प होती है, जो प्रेरणा दे के संतों की सोच में ले आता है। संत कहते हैं भाई ये तेरा देश नहीं है, काल का देश है। दादे परदादे गए, माँ बाप के हमने जाना ही है। ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरन करना। संतों की सोच में आके इंसानी जन्म की कदर पड़ती है भाई, ये काम करना चाहिए। बाकी सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, हाँ दोबारा बोली। हर चेत है हर के गुण गावा जे हर प्रभु पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा। माल की कृपा से संतों की सोच मिलती है। संत कहते हैं सिमरन करो ते वो कीर्तन अंदर सुनाई देने लगेगा। अंदर वाला कीर्तन सुन लियो, हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे ते जन का दुख निकलना आवे। बाहरला कीर्तन सुन लियो कुछ भी नहीं मिलना, वो कीर्तन इसके अंदर हो रहा है। गुरान साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या केते तेरे भाव नारे, केते तेरे राग परिशु कहिए केते तेरे गाँव नारे। मस्ताना जी गंगानगर थे, चक में डेढ़ महीना रहे। एक प्रेमी आया, उसने कोई शब्द बोलिया। मस्ताना जी कहने लगे, क्या तुम यहाँ चूड़ा छोड़ के जाओगे तो आगे अनहद बाजा बजेगा, मस्ताना तुम्हारे आगे होगा, ते देवी देवता फूल चढ़ाएंगे, ये मस्ताने की रूह आ रही है। अब तुम्हें को कदर नहीं है। संतों की कदर वो करता है जो सिमरन करता है, बाकी को पता ही नहीं लगता भाई संत क्या है। ये मन कई बार कहता है भाई ये संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा है, पखंडी बैठा है। अंदर देख लेगा फिर तसली पूरी है। कबीर ने लिखा है, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भी दुआई, खुसरो ने अंदर ले बुलाई। हाँ जी, कली की सद पछाण ए भक्ति चूके अभिमान। हाँ जी, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सोनी चौकुंडी सोनी है, साचे नाम समाए दा। ये क्या कहता है? क्या गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, उस सब के अंदर आ रही है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमार का कोई फर्क नहीं है। गुर की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखाणी। फकीर अंदर सुनी है, बार बयान किए। वो वाणी कण कण में है, जर्रे जर्रे में है वो, पर उसका फायदा कौन उठाता है? जो उसको सुन लेता है। वो वाणी के अंदर सुनाई देगी तो सारे दुख दूर हो गए। ना शब्द बूझे ना जाने वाणी, मनमुख दे दुख बयानी। ना शब्द को पढ़ करता है, ना वो वाणी से तलक पड़ता है, तो ना दुख दूर होते हैं। हाँ जी, जो वाणी सुन ले तो सारे दुख दूर हो जाए, तो सारे अपने नजर आने लग जाए, फिर वो ईसाई से नफरत नहीं करेगा। हाँ जी, बागड़ी से नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं करेगा, ये सारे अपने ही है। हाँ जी, जो करते हैं दीवारें खड़ी करते हैं उनके पल्ले कख नहीं है, वो झगड़े में पड़े हैं। अपने दायरे बना लिए, अपना दिल खुला रखो, भी सारे ही अपने हैं, सारे ही धर्म भी अपने ही है। हाँ जी, साचे नाम समाए दा। सो जन साचा जे अंतर पाले,
साचा जे अंतर पाले गुर के शब्द हर नदर निहाले। हम तो सारे ही झूठे हैं। सोजन साचा जो अंतर पाले, सच्चा वो है जिसने जड़ चेतनी गांठ खोल ली, अंदर रूहानी मंडलों में गया। ते सोजन साचा अंतर पाले, गुरु के शब्द नजर नहीं आले। गुरु के शब्द क्या, संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये अंदर सुन करेगा तो ये अंदर चले जाएगा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले, ना अंदर बढ़िया ना पौड़ी चढ़िया ना नज़ारे देखे। हाँ जी, वो चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, किसी ने फायदा नहीं उठाया। सब कुछ घर में बार नहीं, बार तो सो परम पलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सो पावे, जो खोज करेगा उसको चीज़ मिलेगी। भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में अखिन ब्रह्मंड कोट सुमारा, रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। अजीब यंत्र है ये काम करना था, ये खोज करनी थी। साइंसदान है लेबोरेटरी में खोज करते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, असली लेबोरेटरी ये है, तो हमने ये खोज करनी है, तो सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा। किसी को होश ही नहीं है, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे। हाँ जी, सो जन साचा जे अंतर पाले गुर के शब्द हर नदर निहाले। ये गुरु के शब्द ये बार बार कहते हैं, भाई संत मिलना जरूरी है, जो उसे सिद्ध मिलना जरूरी है। ये संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला, तो मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही जतन कर ले। ये पुण्यदान करता है इसका फल है, तप करता है उसका भी फल है, पर मालिक की दरगाह रास्ता नहीं मिलता। हाँ जी, गुरु के शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी नदरी नदर। तो भाई हम आंख में सुरमा डालते हैं जो चंगी तरह दिखाई देने लग जाए। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी, जो संतों ने सिमरन बताया है वो सिमरन करना है, ये ज्ञान का सुरमा है। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी नदरी नदर मिलाएगा। वो संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी, साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। महाराज श्रवण सिंह ने एक कोई प्रेमी आया, कह जी मालिक को दिखाओ। महाराज जी कहने लगे आज ही नौ द्वारे छोड़ दे, आज ही मालिक मिल जाएगा। नौ दर ठाके तावतराए, दसवीं नित गर्भाशा पाए, उत्थे अन्न सद वजह दिन राति गुरमति शब्द सुनावणे। हाँ जी, वो ज्ञान का सुरमा पा देते हैं संत। ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी नदरी नदर मिलाएगा। हाँ जी, एक बार एक लाइन पर अमल कर लो बस बेड़ा ही पार है, कोई लाइन ले लो चाहे। हाँ जी, ज्ञान अंजन पाए गुरु शब्दी नदरी नदर मिलाए दाओ, नदरी नदर मिलाए दा। बड़े पाग ए शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया। सुनो भाई, ये त्रिलोक की ये तिहाड़ जेल है। अब हिंदुस्तान का आदमी है पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वो सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तो ये काल का देश है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं। दे भागों से ये इंसानी जमा मिला है, 84 भुगतने के बाद मिला, ये चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो।
देवी देवता इंसानी जमे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरे। ये मौका हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज श्रवण सिंह लिखा है, 1 जूनी 10 साल की करें तो 84 लाख जिया जूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 100 नहीं लाख नहीं करोड़ों साल लगेंगे। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो इस ब्रह्मांड ही सारा रूहों से भरा पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जो हमारा नंबर कट गया तो कट ही गया। एक एक मिनट की, एक एक सांस की कदर अंदर ये चिंता रखो भाई, हमने अपना ये काम करना है। दुनिया के काम भी करने हैं तो ये मालिक की बंदगी भी करनी है। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। वड़े पागे शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया। भाग ही तो भागों से तो इंसानी जमा मिल गया, भागों से संत मिल गए, भागों से सिमरन मिल गया, ते भाग होगा तो ये प्रकट कर लेगा। हाँ जी, दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने बेटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही वासा जिनको दुर्लिख पाई है। मालिक की दरगाह से हुक्म होता है, वो फकीरों की सोच में आता है, बाकी लल्लू पंजू नहीं आ सकता। मुझे मने साहब फरमाया करते थे, वे डेरे गेट के अंदर लल्लू पंजू नहीं बढ़ सकता, जिसके नसीब है वो ही आएगा। हाँ जी, नहीं दुनिया तुरी फिरती है। हाँ, जिसको इस मार्ग की नसीब नहीं है ना, वो इस बात संतों की बात समझेगा ही नहीं। दुनिया तुरी फिरती है, हमें संत तुरे फिरते हैं। हाँ जी, मानस जन्म शब्द चित लाया। बिन शब्द सब अंध अंधेरा, बिन शब्द सब अंध अंधेरा। गुरुमुख किसे बुझाएगा। बिन शब्द अंतर अंधेरा, आंख बीते अंदर अंधेरा है, ये भवसागर है। किसी को पता हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे, ये अहंकार है, ये अंधेरा, ये अहंकार है। सिमरन करोगे गुरु अंदर आ गया, ते वो जोत अंदर आ गई। अंधकार में जो अंधकार में जो अंधकार में दीपक प्रगासा, अंधेरा हो ते दीवा जल जाता है, अंधेरा निकल गया। अंधकार में जो दीपक प्रगासा, गुरदर्शन देख मन होए बिगासा। गुरदर्शन देख मन होए बिगासा, अंदर गुरु को पढ़ कर लिया, ये अंधेरा दूर हो गया, अहंकार भी निकल गया। क्यों, गुरु अंदर आ गया, फिर वो मैं कैसे करेगा। ये क्या दोबारा बोली निर्मल। बिन शब्द शब्द ही गुरु है, शब्द गुरु सूते तुम चेला। हाँ जी, सब अंध अंधेरा, वो शब्द प्रकट नहीं होता, अंधेरा दूर नहीं होता। नाम सुनिए घट चानना, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, राम नाम है जोत सवाई। उन्हें अंदर जोत देखी है, बार बयान किया है। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, वो कहने लगा, अभी तुम आधी रात को जो सूरज देखता है तो मेरे से बात कर। क्या हजरत, आधी रात को कौन सूरज देखता है, क्या वो साफ रूह देखती है जो रूहानी मॉडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को कहा, आधी रात को एक को कहा भी सूरज चढ़ा है, कह जी नहीं। दूसरे को कहा भी सूर्य चढ़ा है, कह जी नहीं। तो गुरु अंगद साहब से पूछा भी सूर्य चढ़ा है, कह हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था, हाँ जी। वाणी तो ये कहती है कि नाम तो कोट सूरज ही आ रहा, करोड़ों सूरज की रोशनी अंदर है। हाँ जी, हमने तो कोई चिंगारी भी नहीं देखी, ये कदम भी नहीं चले। हाँ जी, अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया, कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, ये इन विषय विकारों ने, मन ने, काम क्रोध ने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। हाँ जी, ये हम प्रभावी हो रहे हैं। हाँ जी, किसी को होश नहीं आने देते। हाँ जी, बिन शब्दे सब अंध अंधेरा।
जे उस शब्द को नाम को प्रकट नहीं चुरासी खत्म ही नहीं होती। बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्तु ले न चुके फेरा, ना मालक मिलता है ना चुरासी खत्म होती है। हाँ जी, ओ गुरमुख किसे बुझाए दा, गुरमुख से बुझाइंदा कोटर में कोई एक जो भजन राम को पावे, करोड़ों में से कोई एक है जो इस नाम को अंदर पढ़ करता है। गुरमुख कोटदाता दे नामे कणी, एक गुरमुख आता है वो करोड़ों को अधिकारी बना जाता है। आप तरे जन पितरा तारे संगत मुख सो पार उतारे, वो आप तर जाता है अपनी संगत को तार, अपने परिवार को तार लेता है, अपनी संगत को भी तार लेता है। हाँ जी, ये संतों की शोभ करता है, दर्शन करता है, ये संस्कार जाते नहीं है, अंदर रहते हैं। मंसूर को सूढ़ी चाट दिया तो उसको देखने वाले वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो गए, तो वो मालिक का शुक्राना करता है, भी मालिका जी मैं इनको इनकी तलाश करता तो मेरी सारी उम्र गुजर जाती थी, मेरा काम ही नहीं बनना सा, तो इन्होंने मुझे फांसी चाट दिया, सूढ़ी चाट दिया, तो इतने लोग दर्शन करने के लिए आ गए, ये सारे ही अधिकारी हो गए, नाम के अधिकारी हो गए, इनके अंदर से ये चीज़ निकलेगी नहीं, भाई मंसूर को अपने सूढ़ी चढ़ते दिखा है। हाँ जी, गुरमुख किसे, ईसा मसीह शरीफ आदमी था, कोई कत्ल किए थे उसने, डाके डाले थे तो उसको सूढ़ी चढ़ दिया, तो अब उसकी तारीफ करते हैं, अब पछतावा करते हैं। हाँ जी, गुरमुख किसे, उसका पाप भी उनको खाई जाता है, वे कितना बड़ा पाप कर दिया, फिर उसकी तारीफ करते हैं, फिर बनता क्या, टाइम तो गया। जब शाणे होते हैं कबीर की कदर करते, मंसूर को सूढ़ी क्यों चाटते, ईसा मसीह को सूढ़ी क्यों चाटते, समझते रहे खाल क्यों उतारते, उड़नसा को तथे तोम पर क्यों बिठाते, उड़ते एक बार के शीश उड़ा दिया, पलटू को अयोध्या में जिंदा ही फूंक दिया, वो सारे सोए पड़े हैं, मैं एक जागता हूँ बहुत बैठा लगता है। हाँ जी, सारे जूठे हैं, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, एक सच्चा है वो सच्ची बात कहेगा, वो बहुत बेड़ा लगता है, भाई ये कहाँ से आ गया। हाँ जी, इसको तो खत्म करो। हाँ जी, गुरमुख संत जान जान होते हैं पर ऐन छुपके रहते हैं। हमारा सामने से लिखा है समुद्र पीले थे होठ गिले ना हो, ये उसने कुछ बता दिया तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, कत्ल कर देंगे उसका। हाँ जी, गुरमुख किसे बुझाए दा, इक कित आए जन्म गवाए, इक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। सुनो भाई, गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, भाई तुम क्यों आए हो। हाँ जी, कित विद आए जन्म कमाए, ये इंसान जहां बर्बाद जा रहे है, मन मुख लागे दूजे पाए, सारे ही मन मुख हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं, ये मन असली भक्ति नहीं करने देता। मन की मत त्यागो अर्जन, ये आप बात करनी, ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले, जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करें। बता नहीं क्या करें, दो पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं तो हमारी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी, कह जी वहाँ गया था मैं तो मेरे मुझसे ठीक हो गए, हाँ जी मेरी ये बीमारी ठीक होगी, उसको ही मानने लग गया। ये निके निके काम है, असली काम तो जड़ चेतनी गांठ खोलना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपने देश पहुँचना है। हाँ जी, पर तो ये मालिक है जिसको वो बख्शे, दाते दात रखी है तपने जिस पाए तिस दे। हाँ जी, इक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजे पाए। हाँ, चाहे कितना ही ये तो भाई जिसके मालिक जिन्हों बख्शे, हम घरों में प्रेमियों के जाते हैं
आले के अंदर मूर्ति रखी है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये गुरु नानक साहब की मूर्ति है। तो हम कहते भाई ये मूर्ति है जड़, आत्मा है चेतन, ये चेतन को जड़ की तरफ नहीं लगाओ। कह जी आपकी मूर्ति भी रखी है, फिक्र ना करो। हम मुस्तान जी क्या करते भाई, आत्मा है चेतन, मूर्ति है जड़, चेतन को जड़ की तरफ, नरकों का अधिकारी हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, कह जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। फिर कहते हैं भी कोई देवता नाराज हो गया तो फिर क्या करेंगे, मिट्टी ने क्या नाराज होना है, उसको टेढ़ा कर दो, सीधी नहीं होती, मक्खी बैठी है मक्खी उड़ा नहीं सकती, तो लोग उससे डरते हैं। ये हमारा हाल है। कबीर कृष्ण ने लिखा है, या घट भीतर देवी देवा यही मैं ठाकुर द्वारा, ये देवी देवता इसके अंदर है। गुरु साहब ने लिखा है, सब कुछ घर में बार नहीं बार टूर सो परम पुलाई, ते भ्रम नहीं निकलता। हाँ जी, जिन पाया पेद कलंदर दा रखो जे अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा फिर चढ़ दिन लेंदी है। हर मंदिर सो आखिर धर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम चाता, बाहर मूल न खोजिए घर माई विदाता, मन मुख हर मंदिर की सार न जानी जिन जन गवाता। मस्तान जी लुधियाने गए वहाँ सत्संग किया, कहना सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब लियो, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ लियो, हिंदू अपने शास्त्र दिखाओ, किसी को मालक बार मिले तो वो जब भी मिलेगा मिलेगा शरीर पे मंदिर में मिलेगा, असली मंदिर ये है, इसकी खोज करनी है। अब बार मंदिर में जाने से मालिक मिले है, हम तो एक घंटा जाते हैं, पुजारी 24 घंटे ही वहाँ रहता है, उसको पूछ ले मालिक मिल गया, उसे तो मौलवी ने पूछ लियो, गुरुद्वारा में भाइयों ने पूछ लियो, तीर्थ पंडों ने पूछ लियो, उनको नहीं मिला हमारे कैसे मिलेगा। वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, मन मुख लागे दूजे पाए, मन मुख ए बेला फिर हाथ नया पछताए। भाई ये वक्त ये किसी के इंतजार नहीं करता, घड़ी की सुइयों ने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई दूध पीना है, ना रोटी खानी है, ना आराम करना है, उन्हें तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया उठा गया, रह गया सो रह गया, ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा, वो बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, बुढ़ापे में कैसे होगा। बुढ़ापे में तिस्त्र है, किसी घर में आग लगी है, वो कहे भी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे, कब कुआं खुदा कब पड़े, घर तो सड़ जाएगा। शुभ काम में देरी क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब टाइम आ जाए। कह तू जल्दी कर, शुभ काम में देरी क्यों। मस्तान जी क्या करते, क्या तुम ये असूल बनाओ भाई, आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले जाना है, सुबह हो जाए आज के दिन हमने सेवा से सिमरन करी, रात को चले जाना, ये पर पक्का करो। जो टाइम गया सो गया, आगे का हमें पता नहीं है, ये वर्तमान हमारे हाथों में है। आगे की सोचना पीछे की सोचना ये अहंकार है, ये मन है, ये अहंकार में जीता ही है। हाँ जी, ये हाजिर के वक्त की कोई परवाह नहीं करता, दिलासा देता है भी हाँ करेंगे, इतनी क्या जल्दी है करेंगे। हाँ जी, वहां चुटाले एक बारी सत्संग था मुझे मने साहब का, तो मने साहब मुझे कहने लगे तू गांव में जाके कह के आप भाई महाराज जी आए हैं तो सत्संग सुन लो। तो एक कोई बुजुर्ग था तो मैंने उसको कहा, वो मेरे दादा ही लगता था, मेरे दादा संत आए हैं तो सत्संग सुन ले, 84 खत्म हो जाएगी। वो कहता है बोला इतनी क्या जल्दी है, सैल करते जाएंगे, कभी ऊंट बनेंगे, कभी हाथी बनेंगे, कभी घोड़े बनेंगे, ये लोगों का हाल है। हाँ जी, हाँ बोल। ए बेला फिर हाथ नया पग खिसी है पछताए दा, पग खिसी है
यूपी में स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उनकी उम्र 6 साल की थी, मेरी 6 साल की उम्र थी, मैं जब सिमरन करने लगा हूँ तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पाओ, छोड़ दो गफलाई। हाँ, ओके शाणे बनो, अंदर ये चिंता रखो भी सिमरन बनना चाहिए, सिमरन ना भी बने प्रति मार के बैठे, अंदर बेनती करे भी मालका तू मेरे अंदर बैठा है, ते काम क्रोध लो मोह अहंकार दुश्मन मुझे मेरी मिट्टी प्रीत कर रहे हैं, तू कोई दया मेर कर। सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। हाँ जी, गुरु कै शाबाद पवित्र है शरीरा, गुरु कै शाबाद पवित्र है शरीरा, तिस विच वास सच गुणी गही। तो भाई अब कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे कपड़ा साफ हो जाएगा। जो संतों ने सुन बताया वो साबुन है, सिमरन करना ये साबुन लगाना है, परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरन करते जाओगे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये निकलते जाएंगे, ये अंदर से साफ हो गया दे मारे के दर्शन हो गए। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर जरा भी दाग है धोबी तय मार के स्तूप में नहीं रखता, ये सारी बीमारियां निकल गई, ते मालिक के गुण है सारे इसमें आ गए, ये मालिक का रूप ही बन गया। हाँ जी, गुरु कै शाबाद पवित्र है शरीरा, तिस विच वास सच गुणी गहीरा, साचो साचा वेखे सब थाई, सच सुन मन वस आएगा। सुनो भाई, मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है वो अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद वापड़ा है। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, जिन्होंने घट रामायण लिखी है, उन्होंने कहा है घट में वो मालिक सबके अंदर है, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया, मोतियाबिंद एक के नहीं है, हमारे सबके मोतियाबिंद वापड़ा है। बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है, ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, असली ऑपरेशन कर देगा, असली संत है उस सिमरन बताएगा, हम सिमरन करेंगे वो आंख खुल जाएगी, तो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा, सचो सच वेखे सब थाई, जर्रे जर्रे में वो दिखाई देने लग जाएगा। ये क्या कहता है दोबारा बोल, सचो सच वेखे सब थाई, सच सुन मन बस आएगा। हाँ, फिर ये मन बस में आ जाता है, ते जो मालिक के गुण है सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी, आगे ना एक लाइन पे अमल कर ले बस बहुत ही है। हाँ जी, हो मैं गाना था गुरु शब्द निवारे, हो मैं क्या है भाई, ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, जे ये ना हो, हम में ना हो तो दुनिया चलती नहीं है, ये हमें सबके अंदर ही निकलती नहीं है, ये हमें निकलेगी सिमरन करने से। अब ये मैं कहता है, जब अंदर मालिक को देख लिया फिर मैं नहीं, अभी तू ही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर ये हमें निकलती है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। धन फिरका एक ही संगवासा बिचो होमें बीत कराई, पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, आपस में बात नहीं करते, बीमारी कौन सी, अहंकार की बीमारी है, ये बीमारी सारी उम्र नहीं निकलती, जो ये ना हो दुनिया चलती नहीं है। हाँ जी, हो मैं गाना था गुरु शब्द निवारे, हर जियो। हाँ, सुनो भाई, आदमी की मौत आ गई, विदेश साथ जाएंगे, कौमे साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार ने भी साथ देना, शरीर ने भी साथ नहीं देना, फिर अहंकार किस बात का है। हाँ जी, भी मेरा तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ऐन सीधा ही हो जाता है, पर फिर टाइम निकल जाता है। हाँ जी, हर जियो हृदय रखो उर्धारे,
गुरु के शब्द सदा सलाहे मिल साचे सुख पाएदा। क्या कहता है, गुरु के शब्द सदा सलाहे, भाई उठ दे पैर दे चल दे फिर दे, तू सिमण कर मालिक की सलाह ना कर, मिल साचे सुख पाएदा। वो मालिक अंदर आ गया, सच मिले पो जाई, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है, सच मिले पो जाई, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, दुश्मन अंदर रख भी नहीं सकता, सारे ही अपने नजर आने लगे। हाँ जी, जिसका कत्ल भी कर दे भी अपने ही है, मालिक तू ही है करने वाला, जो कर दिया ठीक है बस, वो नहीं परवाह करता फिर। हाँ जी, सारे दुख निकल गए, सारे अपने नजर आने लगे। हाँ जी, गुरु दिष्टाया सब नहीं थाई, जल थल पूर रहा गुसाई, सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोए, कौमो गए मजमो गए देशमो गए, ये सारे झगड़े खत्म हो गए। हाँ जी, अब ईसाई कहते भी हिंदू ईसाई धर्म फैल जे, मुसलमान कहते मुसलमान धर्म फैल जे, उनको पता ही नहीं है, उल्टे राह पड़े हैं। हाँ जी, अंदर से सारे एक ही हैं। एक बार है महाराज सावन सिंह के पास एक मोमडन आ गया, ते एक ईसाई आ गया, तो मोमडन कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता, ईसाई कहने लगे मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे आपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है, ईसा मसीह को पकड़ा कब है, तुम मानते हो, ये तो मान्यता है, जमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया जाता है, अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरान साहब भी मिल जाएंगे, मस्ताना जी मिल जाएंगे, सारे ही मिल जाएंगे, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। महाराज सावन सिंह ने लिखा है भाई जयमल सिंह जी ने मुझे सारे दिखा दिए अंदर, हाँ जी, तो सारे झगड़े मुका दिए। हाँ जी, हो मिल साचे सुख पाएदा, मिल साचे सुख पाएदा। एक दिन बाबा जी महाराज ने मुझे गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज के सामने पेश किया। हाँ, ये अंदर की बात है, उनके सामने पेश कर दिया। हाँ जी, और कहा कि ये आपका ही बच्चा है। हाँ, ये आपका बच्चा है। हाँ जी, मालिक का बच्चा तब बनोगे जब अंदर जाओगे, उसके चरणों में जाओगे। हाँ जी, हाँ बोलो। हो मिल साचे सुख पाएदा, सोचे ते जिस आप चेताए, सोचे ते जिस आप चेताए। हाँ, ये मालिक के आता है, सोचे ते जिस आप चेताए, वो किसको चेताता है, या तो जिसके नसीब होते हैं या जिसके अंदर तड़प होती है, उस पर वो मेहर करता है, मेर करे ता कसम क्याई संत संग नरक ना पाई, कर कृपा अपने नाम लाए चौथे पद में सोजन गत पाए, कृपा कृपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजे, ये उसकी मेर पर है। हाँ जी, ये सच्चे दिल से पुकार करोगे ते ओ मालिक मेर कर देगा। हाँ जी, सोचे तिस आप चिताए, गुर के शब्द बसे मन आए। हाँ, पिछली लाइन में ये कह देते हैं अभी गुरु के शब्द क्या है, बसे मन आए। हाँ, गुरु के शब्द बसे मन आए, भाई संत मिले संत सिमरन बताए, उस सिमरन करोगे तो बात बढ़ेगी। इस बात पर उनका इस सारी सत्संग में इस पे जोर दिया गया है। हाँ जी, गुरु के शब्द वसे मन आए, आपे वे
संत क्या कहते हैं भाई, सिमरन करके तू आप ही देख ले, आप ही उनके दर्शन कर ले, आप ही सहल कर ले। प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की लोड़ नहीं है, तो अंदर दिखाई दिया तो चुप कर गया हो, फिर कोई सवाल नहीं उठता। हाँ जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की लोड़ ही नहीं है फिर। हाँ जी, जज के सामने कत्ल कर दिया, प्रमाण की क्या लोड़ है, अभी तुम्हारे सामने की है। जब अंदर दिखा दिया सारा कुछ, फिर प्रमाण की क्या लोड़ है। हाँ जी, जिन मन विच बात पाई सोई जाने गुरु शब्दे आप पछाने। मन विच बात पाई सोई बार तो कोई बयान नहीं कर सकता, अंदर सारे नजारे देख लिए, वो बार कैसे बताएगा। भिखा बात अगम की कहन सुन के, ना ना तो ये कहने के ना सुनने के, ये तो अनुभव की चीज है। हमने लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, अब तुम प्रैक्टिकल करोगे तो तुम बाहर नहीं बता सकते, ये तो अनुभव की चीज है। हाँ जी, दोबारा बोल। जिन मन विच बात पाई सोई जाने गुरु के शब्द आप पछाने। हाँ जी, उसके कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उसके अंदर छल है, कपट है, फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता, काम क्रोध में नहीं बढ़ता, किसे नफरत नहीं करेगा, ईर्ख्या नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा, ये निशानियाँ आ जाती है उसमें, ये निशानी है। हाँ जी, ओ आप पछाने सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाए दा। हाँ, हम तो सारे ही मेले हैं, निर्मल कौन है जिन्हें अपने आप को पहचान लिया। अपने आप को ये कब पहचानता है, शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह रट्टी पेशाब, देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां मत्य पर गुप्त है। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ मानसूर है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है, गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नाव है बिरला यति, वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, फिर इसको होश आती है, फिर ये निर्मल होता है, फिर आगे जाने के काबिल बनता है, फिर ये अपने आप को पहचानता है। दोबारा बोली, आप पछाने सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाए दा। हाँ, वो कीर्तन सुनता है, वो बाणी सुनता है। हाँ जी, अपने आप को पहचान लिया, वो निर्मल हो गया। हाँ जी, इसने लिखा नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट, अपने आप को पहचानो और पूर्ण बन जाओ। हाँ जी, एकाया पवित्र है शरीर गुर शब्दी चेत गुणी गहीर। दोबारा बोल, एकाया पवित्र है शरीर गुर शब्दी चेत गुणी गहीर। हाँ, ये काया पवित्र कब हो गई, जब अंदर मालिक आ गया, सतगुरु अंदर प्रकट हो गया, नाम प्रकट हो गया, फिर इस पर कोई दाग नहीं रहता, फिर दाग असर भी नहीं करता। घड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है भी वाटर प्रूफ, भी पानी में डाल दो, पानी पे असर नहीं करेगा। वो नाम प्रकट हो गया, फिर ये त्रिलोकी प्रूफ हो गया, तो जो मालिक के गुण है ये सारे इसमें आ गए, ये पवित्र हो गया। हाँ जी, गुरु शब्दी चेत गुणी गहीरा अनदिन गुण
गावे रंग राता। वो मालिक के रंग में रंगे गया, ये असली रंग है, पक्का रंग है ये। वो किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं, ये दुनिया के नशे हैं। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता। धन का नशा है, धन चले गया रंग उतर गया, ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया, लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा है? ये नाम का है, अंदर रंग सदा सच्यारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। ये फिर उतरता ही नहीं है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेव के कारदरास। ये क्या कहता है? अन दिन गुण गावे रंग राता, गुण कहे गुणी समाए दा। फिर सारे काम उसके मालिक के ही हो जाते हैं, फिर मालिक का रूप ही बन जाता है। हाँ जी, यह शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया, दूजे पाए परम भुलाया। हर नाचे तुम्हारा बोल, ये शरीर ये शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया। सुनो भाई, ये दुनिया काल और माया का देश है ये, तो ये शरीर भी माया है, ये मन है इस माया से निकला है, तो ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। ये क्या कहता है? अब किसी को संत नहीं मिले, उनसे सिमर नहीं मिला, जैसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करे चले, हम चले जाएंगे। माया में लिप्त आया तो माया में ही चला गया। ये क्या कहता है? गुरमंत्र हिंस प्राणी, गुरमंत्र हिंस जो प्राणी, दुर्गत जन्म भ्रष्टन, दुर्गत जन्म भ्रष्टन है, आगे कुकर सुकर गर्दबे कागे स्वप्न थर, जिस तरह कौआ गधा उम्र गुजार के चले गए, इस तरह ये चले गया। कुकर सुकर गर्द वह कागे सर्पण खले। हाँ जी, हाँ चलो। ए शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम भुलाया। ये सारा ब्रह्म का पसारा है, त्रिलोकी तक ये परम है। ये कुरान साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है, ये परम का संगल तोड़। त्रिलोकी से ऊपर जा, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, आजाद हो गया। फिर वाणी मंडलों में जाओ तो वापस आओ, आएगा तो संत बन के ही आएगा। हाँ जी, पूरी आजादी है, कहीं जा सकता है, कहीं वापस आ सकता है, फिर कोई नहीं छेड़ता। हाँ जी, दूजे पाए परम भुलाया। ये एन पक्का इरादा कर ले भी, हमने ये काम करना ही है, कि सतगुरु का आसरा रखे, उन्हें घर के काम करी जाए तो अपना सिमरन करी जाए, टाइम बर्बाद ना करे, एक एक मिनट की एक एक सांस की कदर करे, भी हमने तो ये काम करना है। फिर साहब ने कहा, सूरत देखने फूल कंवारा, मित्र मुहारा झूठ पसारा। कहते तुम दुनिया को, दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में क्लबों में जाती है, जीपों में कारों में हवाई जहाज में उड़ती फिरती है, क्या उनकी तरफ ना देखो ना। हमने तो अपना काम करना है। अपना काम क्या करना है? मालिक की बंदगी करनी है, छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, दूजे पाए
परम भुलाया हर नचेत सदा दुख पाए हर नचेत सदा दुख पाए बिन बिन हर चेत दुख पाए दा हर ने चेते सदा दुख पाए सुख मिलना है सिमरन करने से नाम को पढ़ करने से मिलना है और कोई तरीका नहीं है। दूसरी जगह कोई सिमरन की सुख की तलाश करता है वो बेवकूफ़ी है। सिमरन से सुख होता है सिमरन से दुख जाए सिमरन के समय समाए नाम रंग सर्व सुख हुई जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कारज ध्यान दे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभु अंग कर बैठा पा। सुख मिलना है सिमरन करने से नाम को पढ़ करने से मिलना है और कोई तरीका नहीं है। ये मन धोखा देता है ये मन कहता है ये दुखदाई है ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा ते हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा सुख मिल जाएगा ते दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है। नाम पढ़ कर लिया असली बिडाई आ गई असली दौलत आ गई असली लज्जत आ गई ये सारे काम पूरे हो गए। दुनिया असल को छोटे बैठी है नकल में फंसी पड़ी है तो नकल ने साथ नहीं देना सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। मन कहता खूब माया इकट्ठी कर ले विषय विकार भोग ले भाई किसी तरीके से ये स्वास्थ्य रूपी पूंजी इसकी खत्म हो जाए ये सारा जावे नरकों में जाए चौरासी में यहाँ से निकले ना। हाँ जी ये सारे निकल जाए तो काल का देश उजड़ जाए। हाँ जी हर नचेत सदा दुख पाए बिन हर चेत दुख पाए दा बिन पागा गुरु सेवया न जाई मन मुख भूले मुए बिललाई। सुनो भाई जब बाग होते हैं तो संत मिलते हैं बाग हुआ गुरु संत मिलाया पर नासी कर्म में पाया। उस्ताद जी क्या कहते जिसके कर्म लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा बाकी कोई भी नहीं मानता। हाँ जी मन मुख पूर मुए बिललाए जिनको नादार होवे गुड़ केरी हर जियो आप मिलाए दा। सुनो भाई वो नदर किस पर करता है जो मेहनत करता है जिसके अंदर लगन है उस पर वो मेहर करता है। नदर होवे गुरकेरी दोबारा बोली जिनको नादर होवे गुरकेरी हर जियो आप मिलाए दा। हाँ बड़े जन्म मरण दो मनाई जन परोपकारी आए जिया दान दे भक्ति लाइन अर्चुन लाए। ये संत परोपकारी होते हैं उनको कोई गर्ज नहीं होती वो मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। हाँ जी काया कोट पके हट नाले गुरुमुख लेवे वस्त समाले। काया कोट पक्के हटनाले काया किला है ते इसमें सब कुछ है कोई चीज ऐसी उसमें ना हो। अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फेर न होए फेरा। काया कोट पक्के हटनाले गुरमुख लेवे वस्त समाले कोई गुरमुख है जिसने नाम को पढ़ कर लिया है वो वहां जा सकता है। हाँ जी ये हमेशा की बात सही है फिर बार की बात सही की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी उसके आगे सब फेल है
हाँ जी, उधर यूनान के अंदर है। सिकंदर ने, सिकंदर एक फकीर से मिलने वास्ते गया, सर्दी का टाइम था, तो वो जाके जिस तरफ धूप आ रही थी उस तरफ खड़ा रह गया। कहने लगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहता आ गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम धूप आने दे परे हट जा। कह जी मैं आपकी कोई सेवा, कह मेरी मुझे कोई सेवा की लोड़ नहीं है। कह जी आप जैसा मुझे बना दो। कह फिर वंशा जबरदस्त फकीर, कह इसमें क्या अड़चन है, मैं बैठे हूँ तू ही बैठ जा। तो कहने लगा जी मैं सारी दुनिया को फतेह करूँगा। तो फिर फकीर कहने लगा तू फतेह करेगा फिर क्या करेगा, कि फिर मैं आराम करूँगा। कि तू इतना बेवकूफ़ी करता है, इतना पाप करेगा, तू आराम होने कर ले। हाँ जी, तो ये फकीरी है, ये दोनों जहान की बादशाही है। हाँ जी, इसके आगे सब फेल है। हाँ जी, काया कोट पके हट नाले गुरमुख लेवे। राम कृष्ण अमेरिका गया, ते अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला, ते वो कहने लगा जी मैं राम बादशाह हूँ। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहने लगा तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, तू बादशाह कैसे है। कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई सहनशाह, कि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, ते मेरे साथी मुझे आपके पास ले आए। हाँ जी, अपने अंदर कोई इच्छा रखे ही ना, सिमरन करे तो भाई मालका मैनू कुछ नहीं चाहिए, तू दर्शन दे चाहे ना देना तेरी मर्जी है। संतों ने ये कहा है भाई सिमरन करना है तो बैठना है, ये तुम तजुर्बा करके देख लो। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सिमरन करना है तो बैठना है। हाँ जी, तुम ये करके देखो, कोई चीज मांगने की लोड़ ही नहीं है, मंगता नहीं बनना, जे तेरी मर्जी है तो आ जा, नहीं तो ना सही ना। हाँ जी, ते वो आ ही जाएगा, सिर का प्यार छुट्टा फिर वो यहाँ आ गई तो आगे मिल जाएगा, प्यार ही मिल जाएगा। हाँ जी, गुरमुख थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। हाँ जी, प्राथी मार के बैठ गए तो बैठ ही गए, हिलना नहीं है। जे हिल गए, जिस तरह पानी है, पानी हिल गया तो मुंह नहीं दिखाई देगा, पानी टिक गया तो मुंह दिखाई देने लग जाएगा। जे तुम बैठ गए तो हिलना ही नहीं, जे हिल गए तो काम बिगड़ गया। हाँ जी, तन थिर मन थिर सुरत निर थिर होए। हाँ जी, काया अंदर 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 अंधेरा आएगा, भाई अंधेरे में हमने चलना है, दे इस अंधेरे को हमने निकाल देना है। हाँ जी, काया कोट पके हट नाले गुरमुख लेवे वस्तु समाले, गुरमुख लेवे वस्तु समाले। ये कबीर ने कहा, कबीर को कहा ना भाई इस दौलत का कोई गाहक नहीं है, हम तेरे को देते तो संभाल के रखी। हाँ जी, हर का नाम त्याए दिन राती, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएदा। क्या कहता है, हर का नाम त्याए दिन राती, भाई उठ दे बैठ दे ये सिमरन करे। अमर भया अमरा पद पाया, साथ संग नानक कर गया। वो सिमरन करोगे आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारी खेल अपना बन गया। ये दोनों जान की बात है, ऊंची पदवी ऊंचा ऊंचो निर्मल शब्द कमाया, भाई शब्द की कमाई की तो ये मारी का रूप ही बन गया। फिर वो चुप कर गया। हाँ जी, पाया तो नहीं छुपाया। हाँ जी, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएदा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।